तो अगर मैं बात करूं कि ये नी गार्ड क्यों बेटर है बाकी सबसे, तो राइनॉक्स के ये बायोनिक नी गार्ड में आप देख सकते हैं 3 एडजस्टेबल स्ट्रैप्स आ जाते हैं, इसमें आगे आपको स्टील की कवरिंग देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। सो आज और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक इज नी गार्ड्स। काफ़ी लोग रेजिस्ट करते हैं कि हमें राइडिंग पैंट्स नहीं पहनना है या थोड़ा कॉस्टली हो जाता है उनके लिए, तो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव रहता है हमारे पास अबाउट नी गार्ड्स। तो नी गार्ड्स में हमारे पास 4-5 डिफरेंट वराइटीज़ हैं, आइए मैं उनको आगे डिटेल वीडियो में आपको बताते जाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, क्या क्या प्राइस रेंज है उनके एंड क्या क्या उनके फीचर्स मिल जाते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो आप देख सकते हैं प्रो बाइकर या प्रो एक्स का, ये नी गार्ड और एल्बो गार्ड दोनों का सेट आता है, तो दोनों आप हैंड एंड लेग पे अपना आराम से इसको फिट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सबसे चीप ऑप्शन है आपके पास, इसमें आगे आपको स्टील की कवरिंग देती है तो वो एज अ स्लाइडर भी काम करता है एंड ये कम रेट में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी लोग की पसंद है ये। हाँ, अपनी प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है, इस पर आपको अंदर में कुशनिंग ज़्यादा नहीं मिलती है बट प्रोटेक्शन वाइज ठीक है, ये आपको आपका नी से लेकर हल्का शिन तक नीचे तक कवर्ड करता है। सेम आपका इसका छोटा सा आता है बट इसका हैंड गार्ड एल्बो गार्ड भी इनका मिल जाता है। इसमें आपको आप देख सकते हैं 3 एडजस्टेबल वेलक्रोस मिलते हैं, तो आप अपने लेग पे आराम से इसको टाइट कर सकते हैं एंड इसमें आपको एक ये कलर आता है एंड एक और आता है रेडिश टोन में, बट इसका सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यही कलर है। इसके अलावा अगर आप इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये आपको 1000 रुपीज़ का सेट आता है, तो आपको 4 मिल जाएंगे, 2 लेग गार्ड एंड 2 हैंड गार्ड्स। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी रेनॉन्ड ब्रांड है, ये सोइको का हो गया, इसमें भी आपको एल्बो गार्ड और नी गार्ड के सेट आते हैं, तो आप इसको अलग देख सकते हैं, तो हैंड एंड लेग दोनों के लिए हो गया ये। इसकी प्राइस रेंज रहती है आपको समवेयर बिटवीन 1700 to 2000, ये फ्लक्चुएट करता है बिकॉज ये सब क्या है कि इम्पोर्ट होके आते हैं चाइना से, तो डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ये सब इसकी प्राइस रेंज फ्लक्चुएट करती है इसकी और प्रो बाइकर की। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं ये भी आपको पैडिंग वाइज थोड़ा प्रो बाइकर से ऊपर आता है, इस पर थोड़ी एक्स्ट्रा पैडिंग रहती है इंटरनल साइड पे, बाकी ये भी आपको फाइबर का है आगे पे, तो प्रोटेक्शन वाइज ठीक है। ये सब सिंगल टोन में रहते हैं तो ये मुड़ने में आपको ऐसे ही आपके नी के साथ बेंड होते हैं, और यही अगर मैं प्रीमियम ब्रांड्स में जाऊँ तो उसमें बायोनिक नी गार्ड्स आ जाते हैं, तो ये सब बायोनिक नहीं है, ये सब नॉर्मल सिंगल पीस है। तो इस पर आप देख सकते हैं इस पर भी आपको 3 एडजस्टेबल स्ट्रैप्स दिखते हैं टाइट करने के लिए एंड इसके आगे में अगर आप देखेंगे तो ये सब रिफ्लेक्टिव्स है, ताकि आप आराम से इसको जब रात में पहन के चले तो वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है आगे से एंड पीछे साइड से भी, रिफ्लेक्टिव पैनल में ये आपको दिखाई देता है। जो नेक्स्ट नी गार्ड हमारे पास है ये एक्सोर की तरफ से, एक्सोर का ये बायोनिक नी गार्ड है, तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग मूव करता है, ये अपर पार्ट अलग हो जाता है एंड ये लोअर पार्ट अलग मूव करता है, तो ये क्या है कि आपकी नी के एरिया फिक्स्ड हो जाती है एंड ये आपको मूवमेंट में इजी प्रोवाइड करता है, आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखता है आपके पैर को। इस पर भी आपको 3 वेलक्रो स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, तो आप इजीली उसको टाइट कर सकते हैं एंड अंदर की साइड में आप पैडिंग देख सकते हैं कि थोड़ी हैवी पैडिंग है एज़ कम्पेयर इन कंपैरिजन विथ, अगर आप सोइको का या प्रो बाइकर का देखेंगे तो थोड़ी मोटी लेयर की पैडिंग है इसमें। आगे में आपको हार्ड प्लास्टिक का फाइबर बॉडी मिल जाती है, प्रोटेक्शन वाइज डिसेंटली गुड है, अपने प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है ये, 2000 के अंदर में आपको ये सबसे पहला बायोनिक नी गार्ड मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास नी गार्ड है वो आप देख सकते हैं राइनॉक्स का है, तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है एंड काफ़ी डिसेंट प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट बायोनिक नी गार्ड्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो हाँ, आपने ठीक सुना, ये भी बायोनिक नी गार्ड है, इस पर भी आप देख सकते हैं आपका नी
का पोर्शन फिक्स्ड रहेगा, बाकी ऊपर दोनों ऊपर नीचे की चीज मूवेबल है। इसमें अगर मैं पैडिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी अच्छी थिक लेयर की प्रोटेक्शन पैडिंग दी हुई है इनर साइड पे, एंड इसका जो इनर साइड है वो डिटैचेबल है एंड आप इसको इजीली रिमूव करके वॉशेबल भी है, आप इसे धो भी सकते हैं। बाहर का पोर्शन में ये सब आपका रिफ्लेक्टिव आ जाते हैं। तो राइनॉक्स के ये बायोनिक नी गार्ड में आप देख सकते हैं तीन एडजस्टेबल स्ट्रैप्स आ जाते हैं जो कि ईजी टू रिमूव रहते हैं। एंड इसकी प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये 3950 का आता है, जिस पे आपको 50,000 की राइनॉक्स की एक्सीडेंटल कवरेज इंश्योरेंस भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये नीगार्ड पहला सी अप्रूव नीगार्ड है जो अवेलेबल है मार्केट पे एंड अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्राइसिंग। तो जो नेक्स्ट नीगार्ड है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी लाइट वेट है एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड माई पर्सनल फेवरेट नीगार्ड्स है जो अवेलेबल है मार्केट में। ये सोलेस की तरफ से ये शिफ्ट नीगार्ड है। इसकी अगर मैं डिटेल की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बड़ा वेलक्रो है एंड ये टू साइडेड वेलक्रो है। तो पहले आपको ये एक वेलक्रो एडजस्टिंग मिल जाता है, फिर इतना बड़ा एक एडिशनल वेलक्रो एडजस्टिंग और मिल जाता है एंड ये दोनों साइड के लिए अवेलेबल है। बाकी अब सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये चारों साइड में हैवी फोम पैडिंग दी हुई है एंड इस पे एक्चुअल में जो राइडिंग पैंट में प्रोटेक्टर रहता है वो सेम लेवल टू आर्मर की प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड कर रही है। ये इसका प्रोटेक्टर जो है इंटरनल साइड पे रहता है, ये पावर टेक का लेवल टू प्रोटेक्टर है जो रिमूवेबल है। इसकी एक और खासियत ये है कि ये वॉशेबल भी है, तो अगर आपको इसको वॉश करना है आप जस्ट ये लेवल टू का प्रोटेक्शन को निकाल सकते हैं एंड इसको ईजिली धोने में डाल सकते हैं अगर ये गंदा हो जाता है तो। अब मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो आप इस पे देख सकते हैं ये लेवल टू का प्रोटेक्शन इस पे दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको लेवल टू की स्पेसिफिकेशन के लिए ये साइकिल वाले भैया आपको पीछे दिख जाएंगे जो इसकी सर्टिफिकेशन है। ये देख सकते हैं आप पावरटेक का प्रोटेक्टर है ये। तो अगर मैं बात करूँ कि ये नीगार्ड क्यों बेटर है बाकी सबसे, एक तो इस पे सीई सर्टिफाइड लेवल टू के आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, सेम प्रोटेक्शन जो आपको राइडिंग पैंट में रहती है, एंड दूसरी चीज़ ये कि ये इतना लाइट वेट है कि आपको फील ही नहीं होता है कि कोई आपने पैर में कुछ लगाया हुआ है। एक और एडिशनल एडवांटेज ये है कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे कोई भी बाकी सारे नीगार्ड से, भले बायोनिक हो भले आपको नॉर्मल जो आते हैं प्रो बाइकर के या सोइको के, वो सब की लेंथ थोड़ी लंबी रहती है। तो लेंथ लंबी होने की वजह से अगर आप लॉन्ग राइडिंग बूट्स पहनते हैं तो वो शिन में टकराता है एंड वो चुभता है। तो ये क्या है कि ये बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल मटेरियल से बना हुआ है, तो ये एकदम आपको फील ही नहीं होता है एंड कोई आपको इसमें पेन नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो एडजस्टेबल वेलक्रो सिस्टम जैसे मैंने दिखाया ये काफ़ी बड़ा है। बाकी सब में क्या है, थ्री एडजस्टेबल वेलक्रो स्ट्रैप्स रहते हैं बट टाइट करते में ओवर द टाइम अगर आप उसको लॉन्ग राइड पर पहन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्लिप करते हैं एंड ढीले होते ही हैं। हाँ, प्रोटेक्शन अगर आप शॉर्ट राइड्स पर देख रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करते हैं, बट ओवर द टाइम अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं 1000 किलोमीटर्स की, वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है। तो इस पे क्या है कि ये इतना लाइट वेट है कि आपको ये फील ही नहीं होगा, तो आपको ये पहनने में भी बहुत मज़ा आएगा एंड प्रोटेक्शन वाइज देखेंगे तो ये प्रोटेक्शन वाइज में भी बाकी सबसे ऊपर ही आता है क्योंकि इसमें लेवल टू के आर्मर्स मिल जाते हैं आपको। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस देखते रहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब।